All right, students, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, students. Good morning. Good morning. All right. Within chat box एक query raise हुई थी कि registration page run नहीं हो रहा है जब photo की field add करने के बाद, right? So obviously वो run नहीं होगा. मैं repeat करती हूँ because हमने जो registration page के ऊपर query लिखी है, that is insert query लिखी है, उसके अंदर हमने mention नहीं किया है कि अगर कोई field missing होगी तो भी वो work करेगा. क्योंकि हमने ऐसी query लिखी है जिसके अंदर हमने direct values दी थी, राइट. और डायरेक्ट वैल्यूज जब हम लिखते हैं तब हमें टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड्स है वो सारी फील्ड्स के लिए हमें उसके अंदर वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. लेकिन जब हमने पहले ये रजिस्ट्रेशन का पेज किया था उसके बाद हमने वो अपलोड फोटो वाला पेज किया था और हमने फोटो वाली फील्ड उसके अंदर इंसर्ट की थी, राइट. सो इसके लिए इसके अंदर एरर आएगी बिकॉज हमने देखो रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर सबमिट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हमने क्वेरी क्या लिखी थी, इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर्स एंड वी हैव प्रोवाइडेड डायरेक्ट वैल्यूज. और वैल्यूज हमने सिर्फ 12 फील्ड्स के लिए ही वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई की है. हमने जो ये लास्ट फोटो वाली फील्ड एड की है उसके अंदर हमने वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, राइट. सो ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आएगी बिकॉज हमने ये जो फोटो वाली फील्ड है जो अभी हमें सर्वर एक्सप्लोरर में टीबीएल यूजर्स टेबल में दिखाई दे रही है वो हमने स्टूडेंट होम एरिया का क्रिएशन हुआ तब हमने वो स्पेसिफाई की थी, राइट. सो वी नीड टू कंसिडर दैट फील्ड ओवर हियर. बट ऑब्वियसली यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर फोटो अपलोड करने के लिए कुछ भी अभी नहीं लिखा है तो हम वही चीज रहने देते हैं. हम रजिस्ट्रेशन पेज को चेंज नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन. बट व्हाट वी विल डू, हम क्वेरी के अंदर ऐसा स्पेसिफाई कर देते हैं कि फोटो वाली फील्ड नहीं होगी तो भी वो हमें इंसर्ट करने देगा, राइट. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम्स ओवर हियर, दैट इज इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर्स. उसके बाद पैरेंथेसिस में हमें यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कॉलम के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज उसको दे रहे हैं, राइट. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन सारी कॉलम सीक्वेंस में लिख देते हैं. फर्स्ट इज नेम, सेकंड इज एड्रेस, उसके बाद है बर्थ डेट, आफ्टर दैट इट इज जेंडर, आफ्टर दैट इट इज हॉबीज, आफ्टर दैट इट इज एज, देन इट इज यूजर नेम, after that it is password, then it is confirm password, after that it is email, then it is user type, then it is mobile number, right. हमने सिर्फ मोबाइल नंबर तक की ही वैल्यू स्पेसिफाई की है तो हम यहाँ पे वो सारी फील्ड्स के नेम स्पेसिफाई कर देंगे. चेक कर लेते हैं कि हमारी 12 फील्ड्स है कि नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, राइट. हमने पहले भी काउंट की थी अप टिल मोबाइल नंबर टीबीएल यूजर्स टेबल के अंदर 12 फील्ड्स थी, वो सारी फील्ड्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है. नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. हमने एक यूजर मतलब एज अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड करवाया है, वन यूजर वी हैव रजिस्टर्ड एज फैकल्टी. एडमिन का रजिस्ट्रेशन बाकी है तो हम एक काम करते हैं, हम एडमिन के लिए एक यूजर क्रिएट करके देते हैं, राइट. ऑल राइट, सी आपको इंडेक्स पेज दिखाई दे रहा है. रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर मैंने लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया. ऑल राइट, वन फील्ड यहाँ पे एंटर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक नेम एज एबीसी एक्स वाई जेड, एड्रेस ले लेते हैं सूरत, बर्थ डेट हम कोई भी एक अभी सिलेक्ट कर लेते हैं. आफ्टर दैट फील्ड जेंडर दैट इज फीमेल, रीडिंग एंड स्विमिंग, एज लेट्स टेक इट एज फॉर एग्जांपल 25, यूजर नेम वी विल टेक एज एडमिन, पासवर्ड वी विल टेक इट एज एडमिन, कंफर्म पासवर्ड एडमिन, ईमेल admin@gmail.com, यूजर टाइप ऑब्वियसली हम एडमिन ही रहने देते हैं.
एंड आफ्टर दैट मोबाइल नंबर के अंदर मैं 10 डिजिट्स दे देती हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन सबमिट. राइट, सी ओवर हियर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल के बाद हमें लॉग इन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया. लेकिन अभी एडमिन से लॉग इन नहीं होगा बिकॉज हमने एडमिन का होम एरिया अभी तक क्रिएट नहीं किया है. बट आपका जो प्रॉब्लम था कि फोटो फील्ड ऐड करने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे सॉल्व हो गया. राइट, अगर किसी को कोई और क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हो, एल्स वी विल मूव फॉर फर्दर. मैम, फोटो नी फील्ड में नल सेट થઈ જાય. हाँ, फोटो नी फील्ड में नल सेट થઈ જશે. ओके मैम, किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम एक काम करते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं. और फर्दर कंटिन्यू करने के लिए दो में से कोई एक एरिया सिलेक्ट कर देते हैं, आइदर फैकल्टी और एडमिन. ऑब्वियसली चलो हम पहले फैकल्टी का बनाते हैं. राइट, सो फैकल्टी के लिए हमें फिर से होम एरिया क्रिएट करना पड़ेगा और फैकल्टी के होम एरिया क्रिएशन से पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें उसके लिए मास्टर पेज क्रिएट करना पड़ेगा. बिकॉज आपको याद हो तो हमने जब भी स्टूडेंट के लिए होम एरिया क्रिएट करना स्टार्ट किया था तब हमने पहले स्टूडेंट का मास्टर पेज क्रिएट किया था बिकॉज वी नीड कंसिस्टेंट लेआउट इन द होल स्टूडेंट होम एरिया. राइट, सो हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, पहले फैकल्टी का मास्टर पेज क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम जो भी बाकी सारे पेजेस है फैकल्टी के अंदर, हमें फैकल्टी होम एरिया के अंदर हमें क्रिएट करने हैं, वो सारे पेजेस क्रिएट करेंगे और वो फैकल्टी होम एरिया को हमारी वेबसाइट के साथ लिंक करेंगे. राइट, सो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मास्टर पेज क्रिएट करने के लिए स्टेप्स आर, राइट क्लिक ऑन वेबसाइट विद इन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सिलेक्ट एड न्यू आइटम. एड न्यू आइटम सिलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली लिस्ट ऑफ आइटम्स आएगी, उसमें से हम सेकंड आइटम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज मास्टर पेज. एंड द नेम आई विल गिव इट एज फैकल्टी मास्टर पेज डॉट मास्टर. राइट, आई हैव क्रिएटेड वन मास्टर पेज, दैट इज फैकल्टी मास्टर पेज डॉट मास्टर. एड बटन पे क्लिक करते हैं. जैसे ही हम एड बटन पे क्लिक करेंगे ऑब्वियसली वो हमें सोर्स ओपन करके देगा और हमें पता है कि हमें ये कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल को डिलीट कर देना है. सो लेट्स डू वन थिंग, हम इसे रिमूव कर देते हैं. सो अब फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास डीआईवी टैग है, अब हम इसके अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं. डिजाइनिंग करने के लिए आपको पता है कि आपको टेबल का यूज करना पड़ेगा, मोर प्रिसाइज नेस्टेड टेबल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर पाए, आप उसके अंदर अच्छी तरह से डिजाइनिंग कर पाए. अगेन मुझे यहाँ पे 3 रोज़ 1 कॉलम का टेबल चाहिए. अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे 3 रोज़ 1 कॉलम का टेबल चाहिए. फर्स्ट रो विल बी एक्ट एज एन हेडर, सेकेंड रो विल बी एक्ट, उसके अंदर हम लिंक और हमारा कंटेंट डिस्प्ले करेंगे, एंड थर्ड रो विल एक्ट एज अ फुटर. राइट, सो हमने यहाँ पे डीआईवी टैग के अंदर कर्सर रखा, टेबल मेनू में इंसर्ट टेबल, 3 रोज़ और 1 कॉलम मैंने स्पेसिफाई कर दी, बॉर्डर की साइज मैंने दे दी, कलर मैं दे देती हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. सी ओवर हियर, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया 3 रोज़ 1 कॉलम का. अब फर्स्ट रो के अंदर हम दूसरा टेबल प्लेस करेंगे. ऑब्वियसली चलो पहले इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं. कॉमन प्रॉपर्टीज, पहली तो हम विड्थ सेट करते हैं जो हम 1000 देते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो टेबल के अंदर स्टाइल 1 नाम का CSS क्लास पहले से ऐड हो गया है. राइट, और अगर हम उसके अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ पे विड्थ इज इक्वल टू 100% है. 100% मीन्स, अगेन आई रिपीट, आपकी स्क्रीन की जो साइज होगी उतनी साइज का ये टेबल बन जाएगा. राइट, ऑब्वियसली लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, हमें 1000 pixels का टेबल चाहिए. तो हम यहाँ पे करेंगे 1000 px. अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे क्यों सेट की विड्थ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब भी टेबल क्रिएट होता है और हम उसके ऊपर अगर कोई भी फॉर्मेटिंग देते हैं, बॉर्डर या ऐसा कुछ, तो वो अपने आप CSS क्रिएट कर देता है. और CSS के अंदर उसने विड्थ प्रॉपर्टी ले ली थी 100%, लेकिन हमें 100% नहीं चाहिए. That's why हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे 1000 pixels ले लिया, बिकॉज हमने अभी तक जितने भी मास्टर पेजेस क्रिएट किए हैं उसके अंदर हमने ये विड्थ 1000 pixels एड
की है, राइट। सो मैंने यहाँ पे वो सेट कर दिया। ऑल राइट, अब दूसरी चीज हम क्या सेट करेंगे, हमने अभी तक की है ऑब्वियसली टेबल की अलाइन प्रॉपर्टी सेंटर करेंगे ताकि वो पेज के सेंटर में डिस्प्ले हो। सो मैंने यहाँ पे टेबल टैग को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी विंडो में मैं गई और प्रॉपर्टी विंडो में मैंने अलाइन प्रॉपर्टी को सेंटर सेट कर दिया, राइट। अगेन आई रिपीट, अलाइन प्रॉपर्टी को मैंने सेंटर सेट कर दिया, मतलब अब ये टेबल मेरी स्क्रीन के सेंटर में डिस्प्ले होगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने जो भी मुझे कॉमन फॉर्मेटिंग चाहिए थी वो मैंने स्पेसिफाई कर दी। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर मैं एक टेबल दूसरा ऐड करूंगी। सो टेबल मेनू में इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल में आई विल गिव इट एज वन रो वन कॉलम बिकॉज मुझे हेडर बनाना है। अगेन आई रिपीट, वन रो वन कॉलम, उसकी बॉर्डर की साइज मैंने सेट कर दी वन, डार्क कलर ले लेते हैं, मैंने एक डार्क कलर ले लिया एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी यहाँ पे एक टेबल एड हो गया। अब ये टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, जैसे मैंने स्टूडेंट होम एरिया के अंदर एक छोटा सा हेडर बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे हेडर बनाएंगे। सो फॉर दैट पर्पस पहले हम ये कॉलम की सारी प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो हमने टेबल प्लेस किया है उसके अंदर मैंने कर्सर रखा है। मैं प्रॉपर्टी विंडो में जाती हूँ, प्रॉपर्टी विंडो में पहली प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ अलाइन, उसको मैं सेंटर ले लेती हूँ। बीजी कलर मैं कोई भी एक लाइट कलर सिलेक्ट कर लूंगी, राइट दिस वन, एंड आफ्टर दैट मुझे उसके फॉन्ट और वो सारी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। सो उसके लिए मैं स्टाइल प्रॉपर्टी में जाऊंगी। स्टाइल प्रॉपर्टी में जैसे ही मैंने ओपन की, पहला ऑप्शन है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हमने अभी तक एमएस सेंस सेरिफ लिया है, सो वही हम रखेंगे ताकि पूरी वेबसाइट में कंसिस्टेंट लेआउट मिले हमें, इट इज ओवर हियर। फॉन्ट साइज बड़ी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो डबल एक्सएल ही देता है, लेट्स टेक इट वैल्यू। वैल्यू लेंगे तो हम पिक्सल में स्पेसिफाई कर पाएंगे, राइट। सो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल 72 पिक्सल्स यहाँ पे आया। आप पॉइंट में लेना चाहते हो तो पॉइंट में भी ले सकते हो, आप इंच में लेना चाहते हो तो इंच में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर मिलीमीटर, आप मतलब जो भी आपको यहाँ से उसकी मेजरमेंट का यूनिट सेट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैंने पॉइंट लिया है, दैट इज 72 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। फॉन्ट वेट मैं लेती हूँ बोल्ड, राइट। फॉन्ट स्टाइल लेट इट भी, हम उसे चेंज नहीं करते हैं। कलर लेट्स टेक इट सम डार्क कलर बिकॉज इट इज अ फॉर कलर, सो आई विल टेक इट एज मरून, एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ओके। सी जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, हमारी जो कॉलम की जो हाइट थी वो भी इंक्रीज हो गई बिकॉज मैंने फॉन्ट की साइज 72 पॉइंट सेट की थी, मतलब बड़े फॉन्ट्स यहाँ पे अकोमोडेट करने हैं, सो ऑब्वियसली उसकी हाइट भी बड़ी हो गई, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फैकल्टी होम एरिया, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा फैकल्टी होम एरिया, देखो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा हेडर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। हमने जब स्टूडेंट होम एरिया क्रिएट किया था तब हमने फॉन्ट की साइज थोड़ी छोटी रखी थी, इसलिए वो जो हेडर था वो छोटा दिखाई दे रहा था, राइट। यहाँ पे हमने 72 पॉइंट्स लिए है, सो ऑब्वियसली वो हेडर थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। अभी हम यही रहने देते हैं, फुटर में जाते हैं। फुटर में अगेन वी विल प्लेस वन टेबल, सो टेबल मेनू में जाएंगे, इंसर्ट टेबल, अगेन सिंपल वन रो वन कॉलम, बॉर्डर साइज वन, कलर लेट्स टेक इट सम डार्क कलर एंड क्लिक ऑन ओके। अब ये सारे स्टेप्स तो ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, सो हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे, राइट। अगेन ये कॉलम के अंदर मैंने कर्सर रखा, प्रॉपर्टी विंडो में मैं उसकी प्रॉपर्टीज सेट करूंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अलाइन, सेंटर, बैकग्राउंड कलर लेट्स टेक इट सम लाइट कलर, हमने ऊपर जो लिया है वही हम लेंगे, राइट। ऑलराइट, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में वी विल सेट सम प्रॉपर्टीज। फॉन्ट फैमिली लेट्स टेक इट एज एमएस सेंस सेरिफ, वेयर इट हैज गॉन, या इट्स ओवर हियर। फॉन्ट साइज डबल एक्स
लार्ज ले लेते हैं, बोल्ड ले लेती हूँ फॉन्ट वेट, कलर ले लेते हैं डार्क कलर एंड आई विल क्लिक ऑन ओके राइट। सो देखिए आप इसकी भी हाइट देखोगे तो थोड़ी इंक्रीज हो गई है बिकॉज हमने फॉन्ट साइज सेट की है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन देनी है। सो मैंने कॉलम के अंदर कर्सर रखा, सोर्स में मैं जाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे वही पे वो कर्सर दिखाई देगा जहां पे ये कॉलम है, तो वहां पे मैं सोर्स लिखती हूँ। पहले मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, उसके लिए एम्परसैंड कॉपी सेमी कॉलन, ये तो आपको पता ही है। आफ्टर दैट आई विल राइट कॉपीराइट रिजर्व्ड एंड देन आई विल राइट डॉक्टर निकिशा जरीवाला एंड आफ्टर दैट विद इन पेरेंथेसिस आई विल राइट फैकल्टी होम एरिया, जो हमने सेम स्टूडेंट में भी लिखा था, स्टूडेंट होम एरिया में भी लिखा था, वही सेम यहाँ पे हमने फुटर सेट किया है। लेट्स मूव ऑन टू डिजाइन राइट। जैसे ही हम डिजाइन में गए हमारा फुटर आ गया राइट। हमने यहाँ पे फॉन्ट की साइज थोड़ी बड़ी ली है इसलिए वो बड़ा दिखाई दे रहा है, फाइन। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सेकेंड रो, उसके अंदर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमें लिंक सेट करनी है और उसके बाजू वाली कॉलम में हम कंटेंट सेट करेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक टेबल रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने सेकेंड रो में कर्सर रखा, टेबल मेनू में मैं गई, इंसर्ट टेबल, वन रो टू कॉलम्स, ऑब्वियसली वन रो टू कॉलम्स का टेबल हम इंसर्ट करेंगे। बॉर्डर आई विल सेट इट एज इट साइज एज वन, कलर डार्क कलर राइट, आई हैव क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे आप देख पाओगे एक टेबल इंसर्ट हो गया जिसके अंदर वन रो टू कॉलम्स है राइट। अब ये जो कॉलम है उसकी विड्थ हम पहले सेट कर देते हैं। सो मैंने फर्स्ट ये जो कॉलम है उसके अंदर मैंने कर्सर रखा, विड्थ आई विल सेट इट एज लेट्स टेक इट एज फॉर एग्जाम्पल 150 px, देख लेते हैं उसकी साइज कितनी आती है, 150 px इतना हो रहा है, लेट्स टेक इट 200, थोड़ा बड़ा सेट करते हैं राइट। सो विड्थ मैंने सेट कर दी 200 px, वी अलाइन प्रॉपर्टी दैट इज वर्टिकल अलाइन पहले से ही टॉप सेट कर देते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। सो मैंने वी अलाइन प्रॉपर्टी टॉप सेट कर दी राइट, अलाइन प्रॉपर्टी लेफ्ट सेट करूंगी मैं राइट। सो ये फर्स्ट कॉलम की मैंने प्रॉपर्टी सेट की, विड्थ इज इक्वल टू 200 px, वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप एंड अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, मैंने इतना सेट यहाँ पे कर दिया। अब ये वाली कॉलम में भी थोड़ी प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं, दैट इज सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम की विड्थ बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा बिकॉज हमने टोटल विड्थ सेट की है 1000 pixels, फर्स्ट कॉलम की हमने ली है 200 pixels, तो ऑब्वियसली इसकी बाय डिफॉल्ट वो कैलकुलेट कर लेगा, बट उसकी वी अलाइन प्रॉपर्टी हम टॉप सेट कर देते हैं राइट। सो हमने उसकी वी अलाइन प्रॉपर्टी टॉप सेट कर दी। After that, ये जो मतलब कॉलम है उसकी हाइट हम सेट करना भूल गए। सो लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने कर्सर रखा, उसकी हाइट हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 350 px, जैसे हमने स्टूडेंट होम एरिया के अंदर लिया था। सो 350 px फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने हाइट सेट की, सेकेंड कॉलम के अंदर मैं कर्सर रखूंगी उसकी भी मैं हाइट ले लूंगी 350 px राइट। सो ऑलमोस्ट सारा फॉर्मेटिंग हो गया है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर नेविगेशन के लिए लिंक्स प्रोवाइड करनी है और ये जो सेकेंड कॉलम है उसके अंदर मुझे कंटेंट डिस्प्ले करना है, और ऑब्वियसली कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए हमें कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रखना पड़ेगा राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, सेकेंड कॉलम में मैंने कर्सर रखा है, टूल बॉक्स में मैं जाऊंगी और टूल बॉक्स में मैं सिलेक्ट करूंगी स्टैंडर्ड टैब में से कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल राइट। सो यहाँ पे मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल रख दिया है ओके। नाउ यहाँ पे मुझे नेविगेशन के लिए लिंक प्रोवाइड करनी है, बट जैसे हमने स्टूडेंट होम एरिया में किया था वैसे नेविगेशन के लिए लिंक्स प्रोवाइड करने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फैकल्टी होम एरिया के पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे तो ही हम वो पेजेस को लिंक्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे जैसे हमने स्टूडेंट होम एरिया में किया था राइट।
सो पहले हम पेजेस क्रिएट कर लेते हैं फैकल्टी होम एरिया के. अगेन स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता है. सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट पे राइट क्लिक, एड न्यू आइटम. एड न्यू आइटम में पहले हम वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे. वेब फॉर्म में फर्स्ट पेज वी विल क्रिएट एज फैकल्टी होम एरिया, फैकल्टी होम डॉट एएसपीएक्स पेज, राइट. अब फैकल्टी होम डॉट एएसपीएक्स पेज कौन से मास्टर पेज के ऊपर से क्रिएट होगा? फैकल्टी मास्टर पेज से क्रिएट होगा. सो ऑब्वियसली हम ये जो सेकंड चेकबॉक्स है दैट इज सिलेक्ट मास्टर पेज, हम इसको चेक करेंगे और एड बटन पे क्लिक करेंगे. एड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी मास्टर पेजेस होंगे वो यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे एंड फ्रॉम द आई विल सिलेक्ट फैकल्टी मास्टर पेज. उसमें से मैंने कौन सा पेज सिलेक्ट किया? फैकल्टी मास्टर पेज डॉट मास्टर एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया ऑब्वियसली ये पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया. ऑल राइट, नाउ सेकंड पेज क्रिएट करने के लिए अगेन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक, एड न्यू आइटम, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया वेब फॉर्म. अब मुझे पेज चाहिए दैट इज व्यू स्टूडेंट, मतलब मुझे सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले करनी है. सो मैंने पेज का नेम दिया व्यू स्टूडेंट्स डॉट एएसपीएक्स. सेकंड चेकबॉक्स ऑलरेडी चेक है, मैं एड बटन पे क्लिक करूंगी, फैकल्टी मास्टर पेज डॉट मास्टर सिलेक्ट करूंगी एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. सो ये सेकंड पेज भी यहाँ पे क्रिएट हो गया. नाउ थर्ड पेज, अगेन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक, एड न्यू आइटम, फर्स्ट ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया वेब फॉर्म. पेज का नेम मैं दूंगी फॉर एग्जाम्पल गेट स्टूडेंट डिटेल्स, राइट. मैंने पेज का नेम दिया गेट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट एएसपीएक्स, मतलब अगर मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल चाहिए अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, सो मैंने यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दिया. आफ्टर दैट ये सिलेक्ट मास्टर पेज का चेकबॉक्स ऑलरेडी चेक है, एड बटन पे क्लिक किया, फैकल्टी मास्टर पेज डॉट मास्टर सिलेक्ट किया एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. सो ये पेज भी यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट. ऑलराइट, हम फैकल्टी होम एरिया में अभी इतने ही पेजेस क्रिएट करेंगे. अब मेरे पास सारे पेजेस है सो मैं यहाँ पे नेविगेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ मास्टर पेज के ऊपर. सो ये बाकी के पेजेस मैं अभी क्लोज कर देती हूँ एंड आई विल मूव ऑन टू मास्टर पेज. दिस इज माई मास्टर पेज दैट इज फैकल्टी मास्टर पेज डॉट मास्टर. अब मुझे यहाँ पे नेविगेशन प्रोवाइड करना है और अगर आप मीन्स आपको पता है कि अगर हमें नेविगेशन प्रोवाइड करना है तो ASP.NET के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन वो जितने भी ऑप्शंस है उसमें से हमने बहुत सारी चीजें यूज कर दी है, बट आई थिंक एक दो कंट्रोल्स अभी भी बाकी है. सो टूल बॉक्स में नेविगेशन टैब के अंदर आई विल यूज मेनू कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, टूल बॉक्स में नेविगेशन टैब के अंदर आई विल यूज मेनू कंट्रोल, राइट. सो मैंने ये जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर मैंने मेनू कंट्रोल प्लेस कर दिया. ऑब्वियसली ये मेनू कंट्रोल है तो उसके अंदर आपको आइटम्स ऐड करनी पड़ेगी. सो लेट्स डू वन थिंग, अगेन देर आर टू ऑप्शंस. यहाँ पे मेनू कंट्रोल के स्मार्ट टैग में से आप एडिट मेनू आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और आप प्रॉपर्टी विंडो में जाके भी उसकी आइटम्स प्रॉपर्टी का जो कलेक्शन है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट. बट ओवर हियर हम यहाँ पे स्मार्ट टैग में से जाएंगे. सो स्मार्ट टैग में एडिट मेनू आइटम्स पे मैं सिलेक्ट करूंगी, राइट. ये मुझे ऐसा डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है. अगर आप देखोगे तो बहुत कम बटन्स है ये डायलॉग बॉक्स में जो अभी एनेबल्ड है, राइट. बाकी सारे बटन डिसेबल है. देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे बटन्स डिसेबल है, एक ही बटन है जो एनेबल है, राइट. एंड दैट बटन इज दैट इज एड रूट आइटम. अगेन आई रिपीट, वो बटन का नेम है एड रूट आइटम. सो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी. जैसे ही मैंने एड रूट आइटम के ऊपर क्लिक किया वो मुझे वैल्यूज पूछ रहा है. सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आई विल स्पेसिफाई होम, राइट. जैसे ही मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में होम स्पेसिफाई किया और वैल्यू टैब की को प्रेस किया, वैल्यू में भी ऑटोमेटिक होम आ गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके साथ पेज को कनेक्ट करना है. सो फॉर दैट पर्पस आई विल यूज नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी जो हाइपरलिंक कंट्रोल के अंदर भी प्रेजेंट थी.
Again, I repeat, I will use navigate URL property. Navigate URL property को हम open करेंगे तो हमें सारे pages मिलेंगे जो हमारी website के अंदर create हुए हैं. But over here, मुझे faculty home.aspx पेज को connect करना है. So list में से मैंने select किया faculty home.aspx and I will click on OK. Means हमारे menu में first item add हुई home. उसके साथ मैंने फैकल्टी होम डॉट ए एस पी एक्स पेज को कनेक्ट कर दिया. नाउ अगेन मुझे दूसरा रूट आइटम ही ऐड करना है मेनू में, राइट? सो अगेन मैंने होम को सिलेक्ट किया, ऐड रूट आइटम के ऊपर क्लिक किया. सो उसके नीचे न्यू आइटम क्रिएट हुई. अब मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रही हूं स्टूडेंट डिटेल्स, राइट? स्टूडेंट डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने टैब की को प्रेस किया, सो वैल्यू में भी स्टूडेंट डिटेल्स आ गया. लेकिन मुझे इसके साथ कोई पेज कनेक्ट नहीं करना है बिकॉज ये रूट है. मैं इसके अंदर चाइल्ड क्रिएट करूंगी और उसके साथ मैं पेजेस कनेक्ट करूंगी, राइट? सो दिस स्टूडेंट डिटेल आइटम विल एक्ट एज अ पेरेंट आइटम, रूट आइटम, राइट? सो इसके ऊपर मुझे अभी कोई भी पेज कनेक्ट नहीं करना है. नाउ लेट्स डू वन थिंग, स्टूडेंट डिटेल्स को सिलेक्ट करते हैं. ये जो सेकंड बटन है एड चाइल्ड आइटम, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं. देखो स्टूडेंट डिटेल के अंदर न्यू आइटम एड हुई. मैंने ये न्यू आइटम को सिलेक्ट किया प्रॉपर्टी विंडो में, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आई विल गिव इट एज व्यू स्टूडेंट, जो मैंने पेज ऑलरेडी क्रिएट किया है, राइट? मैंने यहाँ पे दे दिया व्यू स्टूडेंट्स. अब नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी में हम सेट करेंगे व्यू स्टूडेंट्स डॉट एएसपीएक्स पेज, इट इज ओवर हियर, सी, राइट? सो व्यू स्टूडेंट्स डॉट एएसपीएक्स पेज को मैंने सिलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक किया. मीन्स व्यू स्टूडेंट जो मेनू आइटम है उसके साथ भी पेज कनेक्ट हो गया. नाउ मुझे फिर से ये जो स्टूडेंट डिटेल्स है उसके अंदर मुझे दूसरा चाइल्ड ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी? अगेन स्टूडेंट डिटेल्स जो रूट नोड है उसको मैंने सिलेक्ट किया, ऐड चाइल्ड आइटम पे मैं क्लिक करूंगी. सी यहाँ पे न्यू आइटम ऐड हो गई. उसकी टेक्स्ट में मैं जाऊंगी, टेक्स्ट में आई विल राइट इट एज गेट स्टूडेंट डिटेल. मैंने यहाँ पे दे दिया गेट स्टूडेंट डिटेल्स. नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी में अगेन आई विल कनेक्ट द पेज एंड द पेज इज ओवर हियर, दैट इज गेट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट एएसपीएक्स पेज एंड आई विल क्लिक ऑन ओके, राइट? मींस सो होम एज अ रूट आइटम ऐड हुई, उसके नीचे स्टूडेंट डिटेल्स एज अ रूट आइटम ऐड हुई. And within that student detail root item, we have added two child items, that is view student and get student details. Now I want to add the link for logout. So what I will do? मैंने student details को select किया and after that I will click on add root item. So मैंने यहाँ पे add root item पे click किया. See, home और student details के level में एक नई item add हुई. Over that, I will specify logout. Right? Now, logout ke saath hum kaun sa page connect karenge? Again, the same situation. Either we can connect index.aspx page or we can connect login.aspx page. So, navigate URL property mein hum jayenge and we will select index.aspx page and I will click on OK. So, मैंने फैकल्टी होम एरिया की जितनी भी लिंक्स मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है, राइट? एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ओके. सी जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, ये जो मेनू आइटम मतलब जो मेनू कंट्रोल है उसके अंदर होम, स्टूडेंट डिटेल्स और लॉगआउट मुझे इतना दिखाई दे रहा है. दूसरी जो दो लिंक थी वो स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर है, दैट्स वाई मुझे स्टूडेंट डिटेल्स के बाजू में एक एरो दिखाई दे रहा है. वो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर चाइल्ड आइटम्स प्रेजेंट है, राइट? सो दिस इज द डिजाइन ऑफ फैकल्टी मास्टर पेज जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी.
अब इसके ऊपर से बाकी सारे पेजेस देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। फर्स्ट वॉज फैकल्टी होम, देखिए यहाँ पे फैकल्टी होम आ गया। आफ्टर दैट इट वॉज गेट स्टूडेंट डिटेल्स, वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। एंड व्यू स्टूडेंट्स डॉट एएसपीएक्स पेज, वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। अब ये जो फैकल्टी होम डॉट एएसपीएक्स है उसके ऊपर तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, दिस इज फैकल्टी होम एरिया, राइट। अगर आपको यहाँ पे कुछ और लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, अभी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है फैकल्टी होम एरिया, राइट, बिकॉज इट इज जस्ट अ होम पेज। सो फैकल्टी होम डॉट एएसपीएक्स के अंदर कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर मैंने सिर्फ ये एक स्टेटमेंट स्पेसिफाई किया है। नाउ आई विल क्लोज दिस पेज। नाउ द पेज इज व्यू स्टूडेंट्स डॉट एएसपीएक्स पेज। व्यू स्टूडेंट डॉट एएसपीएक्स पेज के ऊपर मुझे सारे स्टूडेंट्स जो भी एज अ स्टूडेंट यूजर टाइप से रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सारे यूजर्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं, राइट। सो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स है टूल बॉक्स के अंदर जो हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके हमें डिटेल्स डिस्प्ले करके देगा। और हमने ऑलरेडी एक ऐसा कंट्रोल पढ़ा हुआ है, दैट इज ग्रिड व्यू कंट्रोल, जिसके अंदर हमने फीडबैक की जो डिटेल्स थी वो डिस्प्ले की थी, एंड दैट वॉज प्रेजेंट इन डेटा टैब, राइट। सो दिस इज डेटा टैब जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स प्रेजेंट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ग्रिड व्यू कंट्रोल ऑलरेडी यूज किया, और उसके बाद ये जो बहुत सारे दूसरे कंट्रोल्स है, दैट इज डेटा लिस्ट, डिटेल्स व्यू, फॉर्म व्यू, राइट, और रिपीटर, इतने आपके सिलेबस में है, वो सारे कंट्रोल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बट द थिंग इज दैट ये सारे कंट्रोल्स अलग अलग मैनर में आपको डिस्प्ले करके देते हैं, राइट। सो उसके लिए हम पूरा एक एग्जाम्पल अलग से पढ़ेंगे जिसके अंदर सारे डेटा कंट्रोल्स इन डिफरेंट वे आप कैसे यूज कर सकते हो विदाउट राइटिंग एनी सिंगल क्वेरी, वो हम एक दूसरा ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे, राइट। सो अभी हम यहाँ पे सेम कंट्रोल ले लेते हैं, दैट इज ग्रिड व्यू कंट्रोल। सो मैंने यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल स्पेसिफाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर मुझे कनेक्ट करना है, वो हमारा जो टेबल है टीबीएल यूजर्स वाला टेबल, वो मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है। फीडबैक पेज के ऊपर हमने क्या किया था, हमने क्वेरी लिखी थी, दैट वाज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल फीडबैक, मतलब क्वेरी का यूज करके डेटा सेट के अंदर टेबल्स फेच करके हमने डेटा सेट को ये ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में सेट किया था। ये सारी चीजें हमने फीडबैक वाले पेज के ऊपर की थी। बट ओवर हियर हम डायरेक्ट स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, कोई भी क्वेरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। मतलब अब आपको दोनों तरह से आ जाएगा कि इफ यू वांट टू कनेक्ट ग्रिड व्यू कंट्रोल विद क्वेरी, वो तो हमने फीडबैक पेज के ऊपर कर ही दिया है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, राइट, मींस स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और वो अपने आप ही वो टेबल कनेक्ट कर देगा। सो फॉर दैट पर्पज हम क्या करेंगे, ये उसका जो स्मार्ट टैग ओपन है उसके अंदर ऑप्शन है चूज डेटा सोर्स। आप ये स्टेप्स लिख लेना बिकॉज ये स्टेप्स ऑलमोस्ट सारे डेटा कंट्रोल्स के अंदर सेम होंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ चूज डेटा सोर्स, उसके अंदर मैंने सिलेक्ट किया न्यू डेटा सोर्स। अगेन आई रिपीट, चूज डेटा सोर्स के अंदर नन है, उसके अंदर मैंने सिलेक्ट किया न्यू डेटा सोर्स। अब न्यू डेटा सोर्स के बाद मेरा डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के ऊपर है, सो मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया एसक्यूएल डेटाबेस। जैसे ही मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया एसक्यूएल डेटाबेस, वो डेटा सोर्स का आईडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया एसक्यूएल डेटा सोर्स 1, मैं उसको चेंज नहीं करती हूं अभी, एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, वो मुझे पूछ रहा है कि मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से लेनी है। सी चूज योर डेटा कनेक्शन, वो मुझे पूछ रहा है कि मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से लेनी है। ऑब्वियसली हमारे पास web.config फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग है और उसका नेम क्या है, CON। सो वो कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट आउट कर रहा है, सो आई विल सिलेक्ट CON। See over here, जैसे ही मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग के प्लस पे क्लिक किया, उसने मुझे पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी जो हमने web.config फाइल के अंदर सेव की थी, राइट। अगेन आई रिपीट, जो पहला कॉम्बो बॉक्स है उसके अंदर से आप कनेक्शन स्ट्रिंग सिलेक्ट करोगे CON, जो आपने web.config फाइल के अंदर लिखी है,
एंड आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपको ये इंटरफेस मिलेगा जिसके अंदर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर सारे टेबल्स दिखाई देंगे जो आपके डेटाबेस के अंदर क्रिएट किए हुए हैं। हमें कौन सा टेबल सिलेक्ट करना है? ऑब्वियसली टीबीएल यूजर्स। जैसे ही मैंने टीबीएल यूजर्स टेबल को सिलेक्ट किया, नीचे सारी कॉलम्स लिस्ट आउट हो गई जो टीबीएल यूजर्स टेबल के अंदर है, राइट? और बाय डिफॉल्ट उसने एस्ट्रिक के ऊपर चेकमार्क किया है, मींस वो सारी कॉलम्स डिस्प्ले करेगा, सारी फील्ड्स डिस्प्ले करेगा, राइट? और नीचे देखिए, अपने आप उसने क्वेरी बना ली, दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल यूजर्स, मतलब वो सारे यूजर्स डिस्प्ले करेगा। लेकिन मुझे सारे यूजर्स नहीं चाहिए, मुझे जो स्टूडेंट है वही चाहिए। मीन्स ओवर हियर आई नीड टू स्पेसिफाई वेयर कंडीशन, और वेयर कंडीशन अगर मुझे स्पेसिफाई करनी है, सी राइट हैंड साइड पे ये थ्री बटन्स है, राइट? फर्स्ट इज वेयर, जिसके अंदर हम वेयर कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेकंड इज ऑर्डर बाय, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग शॉर्टिंग कर सकते हैं। एंड थर्ड इज एडवांस्ड, एडवांस बटन के अंदर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी अगर आपको बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाई करनी है वो आप यहां से कर सकते हो। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको याद रखना है कि ये अपने आप क्वेरी तभी बनाएगा अगर आपने टेबल के अंदर प्राइमरी की स्पेसिफाई की है। अगर आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिक बनाने हैं तो आपको आपके टेबल के अंदर प्राइमरी की स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। मैंने जानबूझ के अभी तक प्राइमरी की स्पेसिफाई नहीं की है आपको ये दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों चेकबॉक्स है वो डिसेबल है बिकॉज मैंने टेबल के अंदर प्राइमरी की स्पेसिफाई नहीं की है, राइट? सो ये हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हमें सिलेक्ट क्वेरी रन करनी है। सो सिलेक्ट क्वेरी तो यहाँ पे बन गई है, वेयर कंडीशन में देना है। हमें वेयर कंडीशन में क्या स्पेसिफाई करना है? यूजर टाइप फील्ड स्टूडेंट होनी चाहिए, वैसे ही हमें रिकॉर्ड चाहिए। सो कॉलम में से आई विल सिलेक्ट यूजर टाइप, राइट? बिकॉज यूजर टाइप के ऊपर मुझे कंडीशन लिखनी है। ऑपरेटर के अंदर देखिए बहुत सारे ऑपरेटर्स है, फ्रॉम दैट ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट इक्वल टू, राइट? सोर्स कहां से आएगा? देखिए कंट्रोल है, कुकी है, फॉर्म है, प्रोफाइल है, क्वेरी स्ट्रिंग है, सेशन है, रूट है। हमारे यहाँ सोर्स कहां से आएगा? ऑब्वियसली अभी मैंने कोई भी सोर्स, मतलब ना ही कुकी ली है, ना ही सेशन के अंदर यूजर टाइप स्पेसिफाई किया है, ना ही क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर मैंने यूजर टाइप स्पेसिफाई किया है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे स्टूडेंट्स के ही रिकॉर्ड चाहिए, मींस यूजर टाइप इज स्टैटिक। सो व्हाट आई विल सिलेक्ट, मैंने सोर्स में नन सेट किया। जैसे ही मैंने नन सेट किया, देखिए यहाँ पैरामीटर्स प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू एक्टिवेट हो गई, और वैल्यू के अंदर आई विल राइट इट एज स्टूडेंट, राइट? मैंने वैल्यू के अंदर क्या लिखा? स्टूडेंट। सो आप यहाँ पे देख पाओगे, देखिए एसक्यूएल एक्सप्रेशन के अंदर यूजर टाइप इज इक्वल टू एट द रेट यू टाइप, वैल्यू में आ गया स्टूडेंट, एंड आई विल क्लिक ऑन एड। जैसे ही मैंने एड बटन पे क्लिक किया, वेयर क्लॉज एड हो गया। वेयर क्लॉज के अंदर क्या एड हुआ? यूजर टाइप लेना है, उसका पैरामीटर आ गया, और पैरामीटर के अंदर वैल्यू भी आ गई। नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख पाओगे पूरी क्वेरी क्रिएट हो गई विद वेयर कंडीशन, राइट? आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट क्वेरी करेंगे। टेस्ट क्वेरी के अंदर वो हमें कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आपको यूजर टाइप स्टूडेंट ही लेनी है, ऑब्वियसली हम वही रहने देंगे, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। हमें यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिलेगा विच वॉज ऑफ एबीसी, राइट? सी ओवर हियर, हमारा जो एबीसी यूजर नेम से जो रिकॉर्ड था वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, राइट? एंड आई सी यहाँ पे यूजर टाइप स्टूडेंट है, सो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये हमारा रिकॉर्ड है, एंड आई विल क्लिक ऑन फिनिश। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज वो पूरा ग्रिड व्यू क्रिएट करेगा। सी यहाँ पे ग्रिड व्यू क्रिएट हो गया, राइट? और ग्रिड व्यू के अंदर आप देख पाओगे हमारी जो सारी कॉलम्स थी वो अभी हमें हेडर में दिखाई दे रही है। अगेन ग्रिड व्यू के स्मार्ट टैग पे सिलेक्ट करेंगे, ऑटो फॉर्मेट हम सिलेक्ट करेंगे, और ऑटो फॉर्मेट में वी विल टेक इट एज, हम कोई और ले लेते हैं, लास्ट टाइम हमने प्रोफेशनल लिया था।
रेनी डे ले लेते हैं, राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सो ऑटो फॉर्मेट भी यहाँ पे हो गया, राइट right? अब एक काम करते हैं, हम इतने पेजेस पहले रन कर देते हैं बिकॉज इट इज अबाउट टू 12, राइट। सो हम पहले ये पेजेस हम रन करके देख लेते हैं, और ये पेजेस को रन करने के लिए हमें लॉगिन के अंदर फैकल्टी होम एरिया को कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही स्टूडेंट होम एरिया क्रिएट हुआ था, हमने लॉगिन के अंदर स्टूडेंट होम एरिया कनेक्ट किया था। ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमने फैकल्टी होम एरिया बनाया है, तो हमें इसको लॉगिन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो लॉगिन पेज का जो कोड व्यू है वो मैं ओपन करती हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में से, राइट। यू कैन सी ओवर हियर हमारे पास पूरा कोडिंग प्रेजेंट है, हमारे पास ये जो हमने कंडीशन लिखी थी वो भी प्रेजेंट है, दैट इज यूजर टाइप मस्ट बी फैकल्टी लॉगिन करने के लिए, राइट। उसके नीचे मुझे सिर्फ इतना लिखना है, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट पैरेंथेसिस डबल कोटेशन फैकल्टी होम डॉट एएसपीएक्स। मतलब अगर लॉगिन की डिटेल्स करेक्ट मिल रही है और यूजर टाइप फैकल्टी है, तो मुझे वो फैकल्टी होम एरिया के ऊपर नेविगेट करके दे देगा। सो आई विल राइट दैट थिंग ओवर हियर, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, राइट, एंड विद इन दैट फैकल्टी होम डॉट एएसपीएक्स, राइट। मैंने यहाँ पे लिख लिया फैकल्टी होम डॉट एएसपीएक्स और मैंने उसको सेव कर दिया, राइट। अब मैं क्या करूंगी, लेट्स डू वन थिंग, सेव कर दिया है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बट स्टिल वी लेफ्ट वन थिंग, आई फॉरगॉट, सॉरी, हम एक चीज भूल गए। आपको याद हो तो हमने फैकल्टी होम एरिया के लॉगआउट के ऊपर तो इंडेक्स डॉट एएसपीएक्स पेज सेट किया है, बट हमने वो वेलकम वाला मैसेज नहीं डिस्प्ले किया, वो हम भूल गए, राइट। सो एक काम करते हैं, ये जो फैकल्टी मास्टर पेज डॉट मास्टर है उसके अंदर जो हमने ये मेनू कंट्रोल रखा है उसको हम नीचे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे हम वेलकम मैसेज देते हैं जैसे हमने स्टूडेंट होम एरिया में दिया था। सो वेलकम मैसेज यहाँ पे दिया, स्टैंडर्ड टैब में से हम लेबल कंट्रोल लेते हैं, लेबल कंट्रोल की प्रॉपर्टी विंडो में से हम आईडी सेट करते हैं एलबीएल यूनेम, राइट, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी कर देते हैं, राइट। ये हमने स्टूडेंट होम एरिया में भी किया है, वही सेम चीज हमने यहाँ पे कर दी, दैट इज वेलकम मैसेज दिया, उसके साथ साथ हमने लेबल कंट्रोल रखा, राइट। अब ये लेबल कंट्रोल के अंदर वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, ऑब्वियसली जैसे स्टूडेंट होम एरिया में सेशन में से आई थी, यहाँ पे भी सेशन में से आनी चाहिए। सो हम पेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज लोड इवेंट ओपन हो गई, और पेज लोड इवेंट के अंदर हम लिखेंगे एलबीएल यू नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सेशन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन यू नेम। ये हमने ऑलरेडी स्टूडेंट मास्टर पेज पे भी किया हुआ है, बिकॉज हमें पता है कि लॉगिन पेज के ऊपर हमने सेशन में यू नेम वेरिएबल के अंदर यूजर नेम स्टोर किया है। सो सेम हमने ये फैकल्टी की पेज लोड इवेंट है, फैकल्टी मास्टर पेज की जो पेज लोड इवेंट है, हमने सेशन में से यू नेम वेरिएबल की वैल्यू को रिट्राइव किया, और ये जो लेबल है दैट इज एलबीएल यू नेम वहां पे हमने असाइन कर दिया, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, राइट right? सो हम इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। लॉगिन में जाएंगे, मैंने लॉगिन लिंक के ऊपर क्लिक किया, पेज लोड हुआ, आई थिंक फैकल्टी का यूजर नेम, सो यूजर नेम में आई हैव स्पेसिफाइड निकिशा, पासवर्ड में आई हैव स्पेसिफाइड निकिशा, यूजर टाइप आई हैव सिलेक्टेड एज फैकल्टी एंड आई एम क्लिकिंग ऑन लॉगिन। स्टिल यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 123 था, चेक करके देख लेते हैं। Sorry, it is not 123. Oh God. Yeah. Password 1234 था, right? See over here. एक बार देखिए, faculty home area create हो गया. Welcome Nikisha का message आ गया because username हमारा Nikisha था. Faculty home area का message display हो गया और यहाँ पे ये सारी navigation की links हमें मिल गई. पहली link है home.
जैसे ही मैंने स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर कर्सर रखा, ये दो लिंक मुझे मिल गई और ये है लॉग आउट। स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर हम जाएंगे, व्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, जो हमारे पास एक स्टूडेंट है उसकी डिटेल हमें यहाँ पे मिल गई, बिकॉज हमारी डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टाइप सॉरी यूजर टाइप स्टूडेंट का एक ही रिकॉर्ड है, दैट इज एबीसी एबीसी, राइट। सो वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज यूजर नेम इज इक्वल टू एबीसी एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एबीसी एंड सी ओवर हियर यूजर टाइप इज स्टूडेंट। सो वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने ये ग्रिड व्यू के अंदर टेबल में से रिकॉर्ड लाने के लिए एक बी क्वेरी या कोडिंग के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मैंने ग्रिड व्यू कंट्रोल के स्मार्ट टैग के अंदर थोड़े बहुत स्टेप्स परफॉर्म किए, उसने क्वेरी अपने आप बना ली एंड मुझे यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर जो भी वेयर क्लॉज था उसके क्राइटेरिया के ऊपर से मुझे स्टूडेंट के रिकॉर्ड वो दे रहा है, राइट। एंड आफ्टर दैट ये जो दूसरा वाला पेज है, दैट इज गेट स्टूडेंट, वो तो हमने क्रिएट नहीं किया है, बट ऑब्वियसली कनेक्ट किया है तो वो ब्लैंक डिस्प्ले करेगा। ये हमारा होम, होम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो फिर से वो फैकल्टी होम एरिया आ गया एंड आई विल क्लिक ऑन लॉग आउट। सो ऑब्वियसली हमने लॉग आउट के साथ index.aspx पेज को कनेक्ट किया था, वो हमें यहाँ पे मिल गया, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमने आज फैकल्टी होम एरिया के कुछ पेजेस डिजाइन किए, अब सिर्फ एक पेज बाकी है फैकल्टी होम एरिया के अंदर, दैट इज गेट स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। उसके अंदर हम क्राइटेरिया का यूज करके हम पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल लाएंगे, राइट। अब हमें याद रखना पड़ेगा कि यूजर नेम पासवर्ड क्या है। फैकल्टी का यूजर नेम था निकिशा, उसका पासवर्ड था 1234, स्टूडेंट था एबीसी एबीसी और एडमिन का है एडमिन एडमिन। सो ये थ्री यूजर टाइप और उसके पासवर्ड हमें याद रखने पड़ेंगे, राइट। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप अवर लेक्चर ओवर हियर। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो।